बस आज दिवाली जो है पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, उसी के समक्ष में सुप्रीम कोर्ट में बड़े धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिवाली के त्यौहार पर हिंदू मुसलमान हम एक होकर इस दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम शर्मा जी की दुकान पर आए हैं सब, और दिवाली की मिठाइयाँ जो है आपस में बांध के खा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोविड के कारण थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन ली गई है, और साथ में मैं अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट वासियों की तरफ से समक्ष भारत को दिवाली के इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। इस मौके पर अपने तमाम व्यापारी भाइयों की तरफ से अपने हिंदू भाइयों को मेरा दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आने वाले दिन जो है हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बढ़े, और आपसी भाईचारा जो है वो दिन दूना रात दूना तरक्की करे। मैं अपनी तरफ से, अपने व्यापारियों की तरफ से, पूरा ज़िले की इंतजामिया को, बिलखसूस जनाब नरेंद्र मोदी जी को, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, चाहे वो रियासत जम्मू व कश्मीर की हो या पुंछ की हो, मैं तमाम लोगों को अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं अपने और अपनी पूरी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी मजहब के लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इसमें यह है कि एक ये दिवाली का जो त्यौहार है, ये एक तो रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है। इसमें यह नहीं है कि किसी एक मजहब का त्यौहार है। इस मजहब में, इसमें हम सबको चाहिए कि एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, और अपने घरों को रोशन करें। और जैसे आज के दिन श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर अयोध्या में लौटे थे, तो लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी, एक दूसरे को मुबारक दे दी थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरी अपनी तरफ से मैं अपने सुप्रीम कोर्ट की आवाम को जैसे भाईचारा बना के रखने की बताऊंगी कि जैसे भाईचारा आज से यहाँ से 10-20 साल पहले जैसे भाईचारा था, और उम्मीद करती हूँ कि इस भाईचारे को हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे को भाईचारा बना के रखेंगे। आज की बात ऐसी है कि दिवाली त्यौहार है और बहुत बड़ा, हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, इसमें कोई दूसरी नहीं है। लेकिन थोड़ा वक्त के हालात के मुताबिक हम सोचते हैं सबसे बड़ा हमारा देश है, उसके बाद हमारा मजहब है। लोगों के अंदर जो अपने त्यौहार की भावना है वो बिल्कुल बदस्तूर है, लेकिन हमारी सर ज़मीन पर फौज के हमारे 10 भाई एकदम शहीद हो गए हमें जान बचाने के लिए, बचाते बचाते। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है हमारे पुंछ का, खासकर सुप्रीम कोर्ट इलाके के लिए, क्योंकि जहाँ भी ये हादसे की बात चलेगी वहाँ हमारा नाम चलेगा। तो इसलिए हम, और दूसरी छोटी सी प्रॉब्लम ही होगी हमारे छोटे से कस्बे में नहानी 2-4-6 मौतें होगी 4 महीने में, वो भी एक पूरे गांव के लिए सदमा है। तो इन बातों के मद्देनज़र कुछ गवर्नमेंट की महंगाई है, महंगाई के कारण प्रॉब्लम है, तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए बरादरी वालों ने यही है माना है कि त्यौहार मनाओ, अपने घरों में आराम से मनाओ, तो ज़्यादा चहल पहल दिखावा करने की कोई किसी ने भी संभावना नहीं बताई है। इसलिए ठीक मनाया जा रहा है। आपको थोड़ा सा, आपका शुक्रिया कि आपने चलो वॉच करके हमसे पूछ लिया, कारण इसमें यही था और दूसरा कारण कोई नहीं है।